सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में सफलता अक्सर छोटे फैसलों से ही मिलती है। किसी से भी झूठ बोले लेकिन खुद से कभी भी झूठ न बोले। यह मत भूले कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है वही आपको भी दिया है। बस उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह आप खुद तय करेंगे। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास आगे के भविष्य की नींव रखते हैं। आज का पंचांग 4 मई 2024 दिन शनिवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 8:40 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 10:07 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:09 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 7:38 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। वर उतने एकादशी की शुभकामनाएं। धनुराशि 4 मई 2024 दिन शनिवार, कभी कभी आप अपने जीवन में सही चल रहे होने के बावजूद बेचैनी की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में खुद के साथ शांत दिमाग से सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे अपने भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं और सही समाधान को खोज सकते हैं। आपको अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेडिटेशन और प्रैक्टिस करने में मदद मिल सकती है। ध्यान में रखकर आप अपने अंतर्मन की गहराई को छूने के लिए सक्षम होंगे और अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकेंगे। समाधान खोजने के लिए अपने विकल्पों को ध्यान से विचार करें और उन्हें विवेचित रूप से विचार करें। संभवतः आपको कुछ नए परिक्षेप में सोचने का मौका मिल सकता है जो आपको सही दिशा में ले जाएंगे। अपने आप के साथ उदार और समझदार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विचार और समाधान के लिए अपनी आत्मा के संग संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है। ध्यान और सचेत बने रहने के साथ आप सही रास्ते पर वापस आ सकती हैं। महिलाएं घरेलू कार्यों को सहजता और सरलता से पूरा करने में सक्षम रहेंगी, साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति भी केंद्रित रहेगा। कोई उधार दिया पैसा मिलने की भी असंभावना है। सुखद समय रहेगा। आप अपने जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने का भी प्रयास करेंगे। लोगों के साथ हो रही चर्चा की वजह से आपका तनाव बढ़ेगा। केवल काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत चर्चा करने से बचना होगा। व्यर्थ चिंताएं छोड़कर आपको काम पर ध्यान देने की जरूरत है। काम का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। आपको टारगेट और तय किए गए वक्त पर ध्यान देने की जरूरत है। सावधानियां। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम रखकर ही आप समाधान निकाल सकते हैं। बहुत अधिक जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने ऊपर न ला दें। कलह वाद विवाद आदि जैसे परिस्थितियों से दूर रहने में ही भलाई है। बात करते हैं लव लाइफ की। कोई ऐसा आपके नजदीक है जिसका आकर्षण जबरदस्त है, उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। निराश ना हो, उनके दिल में जगह पाने की कोशिश से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वे ऐसा दिखाते नहीं लेकिन प्यार पनप रहा है। आपको बहुत जल्दी इसका एहसास भी हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। आपकी ओर से भी की गई कोई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। हालांकि दिन मैत्रिक लाभ के लिए शुभ है। आपका पिछला निवेश आपको अच्छी आमदनी दे सकता है। अगर आप अपनी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रयासों को उदारता से पुरस्कृत किया जाएगा। तो अपने काम और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करें। बात करते हैं सेहत की। अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाली व्यायाम अपना सकते हैं जो लाभकारी भी रहेगा। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे।
आप आज अपचय से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकती हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, काली चीजों का दान करें, क्योंकि आज शनिवार है तो शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।